नमस्कार, मैं सुजाला ग्रहरी, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मसूरी में श्री सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की डोली धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर जौनपुर, जौनसा, टिहरी, देहरादून आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आइए दिखाते हैं उत्तराखंड के मसूरी से रोशन वर्मा की यह रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मसूरी में श्री सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की डोली धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और प्रसाद भी ग्रहण किए। इस मौके पर जौनपुर, जौनासार, टिहरी, देहरादून आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बताते चले कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अपने आने वाले रविवार को भगवान श्री कृष्ण की डोली की धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें श्रद्धालु भजन कीर्तन के साथ नगर की परिक्रमा करते हैं। इस ऐतिहासिक डोली में पारंपरिक वेशभूषा में ग्रामीण आते हैं और वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हैं। वहीं इस डोली का अपना विशेष महत्व है, जो 1878 से लगातार निकाली जाती रही है। इस अवसर पर श्री सनातन धर्म मंदिर सभा के उपाध्यक्ष उपेंद्र पवार ने बताया कि मंदिर से श्री कृष्ण जी की डोली पूरे शहर में परिक्रमा की जाती है और जगह जगह पर इसका स्वागत भी होता है, तथा भजन कीर्तन के साथ डोली लाइब्रेरी गांधी चौक पर पहुंचकर वापस मंदिर परिसर में आ जाती है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक डोली को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि 140 वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की डोली नगर परिक्रमा करती आ रही है और इस ऐतिहासिक डोली का अपना विशेष महत्व है और लोगों की आस्था भी इस पर बनी हुई है। जिस प्रकार जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, उसी के संदर्भ में हमारा जो जन्माष्टमी का विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, ये 1947 से पहले का है। 1947 से पहले जो कन्हैया जी की डोली की स्थापना हमारे बुजुर्गवार द्वारा करी गई थी, उसी परंपरा को हम निर्वाह करते हुए आगे वर्षों तक ले आते रहे हैं। पिछले दो वर्ष कोरोना के कारण हम डोली कन्हैया जी की डोली नहीं निकाल पाए, लेकिन इस वर्ष बड़ी धूमधाम से कन्हैया जी की डोली निकालने का हमने घंटाघर तक हम लेके गए थे। इस बार हमने बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय किया था और आज आपके समक्ष है कि कन्हैया जी की डोली किसी विशाल जनसमूह और जन यात्रा के साथ निकाली गई है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे गंडौर के कुछ व्यापारी भाइयों की तरफ से एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से इस बार भी भंडारे का आयोजन किया गया है हमारे उपेंद्र सिंह पवार की अध्यक्षता में। इन्हीं के सौजन्य से इस बार भंडारे का पूरा संपूर्ण आयोजन हुआ है, जिसमें